हम आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एसपी की वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की, जो आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था और उस वक्त वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। और अपर्णा यादव पहले से ही पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करती रहती रही हैं और यहाँ तक कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 11,11,000 रुपये चंदा भी दिया था। तो देखिए एसपी में बड़ी सेंधमारी और खास तौर पर देखिए ये मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, खबर सामने निकल कर आ रही है काफी ज्यादा ये बड़ी खबर हो जाएगी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी के संपर्क में और हो सकता है कि आज ही बीजेपी को वो ज्वाइन भी कर जाए। देखिए जो जानकारी मिल रही है आज ही अपर्णा यादव जो की मुलायम सिंह यादव की परिवार की छोटी बहू है, प्रतीक यादव की पत्नी है और पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव भी वो समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ चुकी है और इस बार वो जो जानकारी मिल रही है आज कुछ देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है और उनके साथ ही आईपीएस अधिकारी असीम अरुण भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि असीम अरुण ने कुछ दिनों पहले वीआरएस ले लिया था और वो बीजेपी में शामिल होंगे और कन्नौज से वो टिकट की मांग रहे हैं। इन दोनों नेता आज कुछ दिन बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और भाजपा की सदस्यता लेंगे और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मौजूद रहने की भी संभावना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका होगा कि इससे पहले हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी है, फिरोजाबाद से के रहने वाले हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए थे, मौजूदा विधायक भी है हरिओम यादव और आज अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल होगी, इस बात की पक्की खबर है। बिल्कुल आलोक जी, अभी तक तो इस तरह की खबरें पढ़ रहे थे हम कि बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री पार्टी छोड़ करके सीधा बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे थे और अगर अपने आप में देखें तो इस समय एक टफ कॉम्पिटिटर बीजेपी के लिए कोई इस समय यूपी चुनाव में है तो वो समाजवादी पार्टी ही है और समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जब इस तरह से पार्टी छोड़ने की जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वो आज ही बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगी, तो इसको हम किस तरह से लें? अपने आप में बहुत बड़ा या बड़े घात कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए होगा ये? निश्चित तौर पर देखिए परिवार की बहू है और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी है, अपर्णा यादव पति की पत्नी है और ऐसे में वो अगर जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटका होगा। हालांकि इससे पहले भी अपर्णा यादव मोदी और योगी की तारीफ कर चुकी है, उससे मुलाकात भी हो चुकी है और आज वो शामिल हो जाएंगी बीजेपी में। जी बिल्कुल।